त्योहारों के समय में सभी मिठाइयाँ खाना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार ये मिठाइयाँ मुंह के स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य भी खराब कर देती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है उस पर एक्सपायरी डेट ना लिखी जाना, जिसका फायदा मिठाई विक्रेता उठा लेते हैं और ग्राहक को वे बासी मिठाई बेच देते हैं, जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पे पड़ता है। लेकिन अब FSCI के दिशा निर्देशों के अनुसार मिठाई विक्रेताओं को मिठाइयाँ पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य किया गया है। जो मिठाई विक्रेता इस पर तिथि नहीं लिखेगा उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जानकारी सोलन में खाद्य सुरक्षा सहायक नियंत्रक LD ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि सोलन शहर में मिठाई विक्रेताओं ने अपनी मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखना शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि मिठाई को कई वर्गों में बांटा गया है और उनके अनुसार यह तय किया गया है कि किस मिठाई का जीवन कितना है और उसके सेवन व्यक्ति कितने दिनों के भीतर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शहरवासियों तक खाने का सामान शुद्ध और स्वच्छ पहुंचे, इसके लिए विभाग द्वारा लगातार प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि मिठाई विक्रेताओं को चेतावनी भी दी गई है कि अगर मिठाई विक्रेता एक्सपायरी डेट की तिथि नहीं लिखता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मिठाई मिस ब्रांडेड होने के चलते उनका 3 लाख रुपए तक का चलान किया जा सकता है। FSCI ने जो हलवाई खुली मिठाई बेचते हैं उनके लिए भी बेस्ट बिफोर लिखना मैंडेटरी कर दिया है, और इसके लिए हम अब जो भी हलवाई हैं उनको अवेयर कर रहे हैं कि आपने जो भी ट्रे है उसके बाहर उसकी बेस्ट बिफोर डेट लिखनी है। तो अभी भी हमने इंस्पेक्शन किया था सोलन में, जितने भी हलवाई हैं उनको अवेयर किया था इस प्रोविज़न के बारे में, और उनको ये भी बताया था कि कौन से स्वीट्स की सेल्फ लाइफ, अगर उसको आइडियल कंडीशन में वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक ढंग से स्टोर करते हैं, तो कितनी हो सकती है। तो उसमें AI की जैसे कलाकंद है तो वो सेम डे कंज्यूम करना पड़ेगा तो उसकी सेल्फ लाइफ 1 दिन की होगी। उसी तरह से शॉर्ट सेल्फ लाइफ वाले मिठाइयाँ जिसको 2 दिनों तक रख सकते हैं, और वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जैसे बंगाली स्वीट्स, रसगुल्ला, शाही टोस्ट, राजभोग, इस तरह की जो मिल्क की मिठाइयाँ हैं वो 2 दिनों तक रह सकती हैं। और इसके बाद आती है मीडियम सेल्फ लाइफ, तो लड्डू, खोया स्वीट्स, मिल्क केक, प्लेन बर्फी, ये 4 दिनों तक रह सकती हैं। और लॉन्ग लाइफ, जिनकी लॉन्ग लाइफ होगी, जो घी से बनी हुई मिठाइयाँ होंगी, ड्राई फ्रूट लड्डू, काजू कतली, इस तरह की मिठाइयाँ 7 दिनों तक बेस्ट होंगी खाने के लिए। और उसके बाद आता है कि वेरी लॉन्ग लाइफ, जिनको हम 1 महीना तक रख सकते हैं, जैसे आटा लड्डू, बेसन लड्डू, चना बर्फी, इस तरह की जो मिठाइयाँ हैं वो 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सारे व्यापारियों को ये बता दिया है कि कौन सी मिठाई आप किस प्रोसेस से बना रहे हो, उसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, वो आपने ट्रे के बाहर दिखाना है। और अगर वो ट्रे के बाहर ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो वो मिस ब्रांडेड होगी, और मिस ब्रांडेड फूड आर्टिकल बेचने पर FSSAI एक्ट में 3 लाख तक जुर्माने का प्रोविजन है। आपको बता दें कि किसी भी तरह के कलाकंद का जीवन केवल 1 दिन का होता है। दूध से बनी मिठाई जैसे बादाम दूध, रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी, राजभोग, मलाई रोल, खीर और अन्य उत्पाद, इन सभी का जीवन FSCI के तहत 2 दिन तक ही तय किया गया है। वहीं लड्डू और खोए से बने उत्पादों का जीवन 4 दिन तय किया गया है, जिसमें मिल्क केक, बर्फी, बूंदी, लड्डू, फ्रूट केक, खीर, बादाम इत्यादि शामिल हैं। तो वहीं घी और ड्राई फ्रूट से बने उत्पादों का जीवन 7 दिन तय किया गया है, जिसमें लड्डू, काजू कटली, घेवरा, शक्कर पारे, शाही लड्डू, बूंदी के लड्डू, काजू केसर बर्फी, बादाम बर्फी, चंद्रकला, अंजीर केक, काजू समोसा इत्यादि शामिल किए गए हैं।